जैसे क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि मुझे यहाँ पे पास और फेल देना है, यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूले लगे हुए भी है। अब क्या करें, फॉर्मूले वाले तो कॉलम को छोड़ के मार्क्स और नेम को सिलेक्ट करके कॉपी कर, और जाना है पावर बीआई के होम मेनू बार के अंदर एंटर डेटा। इस एंटर डेटा में यहां इस पे क्लिक करना है, वन और कॉलम वन के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी कर देना है क्योंकि आपने कॉपी किया। यहाँ पे टेबल में मैंने क्वेश्चन नंबर टू कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया लो। अब ये जो डेटा है वो डेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर टू पे आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 तो रिजल्ट फेल पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे न्यू, यहाँ पे न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम में यहाँ इसकी हेडिंग देंगे रिजल्ट, क्या देंगे रिजल्ट, एंड वापस लगाएंगे फॉर्मूला की इफ मार्क्स, कि मार्क्स जो है मार्क्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन रिजल्ट आई हैव फेल पास है, सॉरी पास पास टेक्स्ट है इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाला, अदरवाइज फेल। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ, रिजल्ट आ गया पास और फेल। क्लियर है? इसी तरह से बाकी जो 8 क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आपको करना है।